लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर दादरी के रेस्ट हाउस में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का विरोध करने पहुंची, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कृषि मंत्री आज दादरी के रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग करने पहुंचे थे। जैसे ही आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को मंत्री के आगमन की सूचना मिली तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए रेस्ट हाउस की ओर कूच किया। रेस्ट हाउस के बाहर पुलिस द्वारा बैरिगेट्स लगाए हुए थे, जिन्हें क्रॉस करते हुए वे रेस्ट हाउस तक पहुंची और विरोध कर बवाल काटा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी हुई तो प्रतिनिधि मंडल को मंत्री के समक्ष बातचीत के लिए बुलाया गया, जिसके बाद कर्मचारियों की मंत्री से बात हुई और मांग पत्र सौंपा गया। तो वहीं आशा वर्कर्स की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश भैरवी ने कहा कि मंत्री का आश्वासन एक ढकोसला है। आज ये जो हमारी राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल थी, हमने प्रदर्शन करते हुए हम पटियाला बैंक तक गए। जब हमें पता चला कि जेपी दलाल जी आए हुए रेस्ट हाउस में, हम वहाँ पहुँचे थे। वहाँ हमारी पुलिस के साथ काफ़ी धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की होने के बाद उन्होंने हमारे डेलीगेशन को साथ का डेलीगेशन अंदर बुलाया बातचीत के लिए जेपी दलाल जी ने। लेकिन वहाँ जो उनका रवैया था मंत्री जी का, वो बेहद गलत तरीका था। एक महिलाओं के प्रति जो उनकी भाषा थी, वो उनकी मैं घोर निंदा करती हूँ। एक आंगनवाड़ी जो हमारा महकमा है, उसके अंदर हमारी 50% महिलाएं विधवा लगी हुई हैं, लेकिन उन महिलाओं के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना मंत्री जी को शोभा नहीं देती। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और ये जो 4 महीने से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहने बैठी हुई, वो गलत तरीके से नहीं बैठी हुई। इनकी जो मोदी जी की हुई घोषणा को ही लेने के लिए ये बैठी हुई हैं। और मंत्री जी का ये कहना कि हमने इनको बहुत कुछ दे दिया, ये सोचना चाहिए आने वाले टाइम में इन्हीं बहनों के बीच में इनको आना पड़ेगा और इसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। जिस तरीके से आज मंत्री जी ने हमारे साथ बातचीत की है, इनके लिए आगे आने वाले टाइम में गांव में जब आएंगे उसके लिए मंत्री जी तैयार रहें, यह मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से धरने पर हैं, लेकिन अब तक इनकी समस्याओं का सरकार द्वारा कोई समाधान नहीं निकाला गया। चरखी दादरी से अशोक कुमार, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।